हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। सबसे पहले दोस्तों, सभी की माताओं को हैप्पी मदर्स डे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कौशल एंड हैप्पी मदर्स डे टू एवरी मदर इन दिस वर्ल्ड। माता पिता का अगर आशीर्वाद आपके सिर पर हो तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में दूर हो जाती है। तो सबसे पहले उन माताओं को मेरा नमन है, आपकी मदर्स को, मेरी मदर्स को, इस दुनिया की हर मदर को, माँ को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कुछ जानकारियाँ, कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता था आज के इस वीडियो में जॉब से रिलेटेड। कई बार हम जब जॉब के लिए जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, लेकिन अगर बाई चांस हम रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मेरे पास अच्छी डिग्री है, इंटरव्यू अच्छा हुआ, किस कारण से मैं रिजेक्ट हो गया या मुझे किस कारण से। तो दोस्तों, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको कारण ये बताऊंगा। हम जब भी किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, हमारा जो ड्रेस कोड है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है ड्रेस कोड के रूप में। उसके बाद दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन कैसा है, कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो, समझ लेते हो, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। फिर आती है आपकी फाइल, मतलब आपका क्वालिफिकेशन। जैसी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, मान लीजिए किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। चौथा जो राउंड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। कई बार हम अपने CV में लिखते हैं कि मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है। कहीं पे भी जाएंगे आपकी कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी, आपके सामने लैपटॉप या कंप्यूटर दे दिया जाएगा कि आप इस पे काम करके दिखाइए। आज की डेट में किसी भी स्कूल में अगर आप काम करने के लिए जाते हो तो मोस्ट ऑफ द स्कूल में अब डिजिटल बोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं, लग चुके हैं, स्मार्ट क्लासेस जिनको हम कहते हैं, तो आपको बोर्ड चलाना भी अब आना चाहिए। ये आपके प्रोफाइल का एक प्लस पॉइंट होगा। अगर अच्छे स्कूल में अच्छी सैलरी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पूरा ड्रेस अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाना है। दूसरा, अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दीजिए, ज़रूरी है आज की डेट में। तीसरा, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं। फोर्थ, कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस बोलिए, नहीं तो मना कर दीजिए कि नहीं, मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उससे अगला पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन, आपको क्लासरूम में भेजा जा सकता है पढ़ाने के लिए। तो अगर क्लासरूम में अगर आपको भेजा जाता है पढ़ाने के लिए तो आप उसकी पहले से तैयारी करके जाएं और बहुत जोश के साथ, एक मैच्योरिटी लेवल के साथ बच्चों से कनेक्ट करें, बोर्ड पे कनेक्ट करें, और बहुत निश्चिंत होकर के, क्योंकि तैयारी करके अगर जाएंगे तो निश्चिंत होकर के आप बहुत अच्छा डेमो दे पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ डेमो दीजिए। और उसके बाद आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ CV दें और आपको कॉल आ गया और आप इंटरव्यू देने चले गए, आपकी तैयारी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से रिजेक्शन हो जाती है इन्हीं पॉइंट्स की वजह से। कई जगह हमारा डेमो अच्छा नहीं होता है, या कई जगह हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया नहीं जा पाती है। एक और मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट रीज़न बताऊंगा, जेन्युइन रीज़न बताऊंगा। कोविड के बाद अभी स्कूल ओपन हुए हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों से देखा कि बिल्कुल वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, एकदम से सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप कहीं पे 15,000 ले रहे हो
तो आप 25,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 20,000 ले रहे हो तो 30,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन आप 50 तक भी कर सकते हो, लेकिन कोई स्कूल टीचर्स की, जो मैंने आप इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, कि टीचर्स के लिए सैलरी उस हिसाब से होगी जिस हिसाब से आप सैलरी ऑलरेडी ले रहे हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000 तक और जंप मिल सकता है मैक्सिमम। 35 ले रहे हो तो 45 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। समटाइम्स हम 20,000 अगर कहीं ले रहे हैं, हम एकदम से कहते हैं हमें 40,000 50,000 चाहिए, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि आपने 20 पे काम ही क्यों किया, हो सकता है मजबूरी में किया हो, तो थोड़ा सैलरी का इशू रह जाता है। तो इसलिए आप अभी शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टीचिंग लाइन में जाने का मन बना लिया है या काम कर रहे हैं, तो 2 साल भी हम पेंडेमिक के कारण घर ही बैठे थे, आप 1 साल 10,000 रुपये का जंप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 10,000 का जंप भी मिल जाता है, अगर 20 ले रहे हो, मान लो 28-30,000 अगर आपको मिल जाता है उस पर आप काम करके, उससे अगले 1 साल या 2 साल के बाद आप आगे अच्छे, उससे भी बढ़िया स्कूल में इंटरव्यू दे सकते हैं जहाँ पे आपको 35-40,000 मिलता हो। एकदम से डबल पे आप एक्सपेक्ट ना करें। तो ये कुछ टिप्स थी। आपको अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके आपकी जॉब जल्दी लगे, मैं दिल से चाहता हूँ आपकी जॉब जल्दी लगे, आपका काम जल्दी बने, ये सोच के साथ मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को जॉब्स दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।